Welcome to the computer class of standard first. Did you know our semester 1 is completed? Okay, now we are going to start our semester 2. In our semester 2, we have two lessons, lesson number 5 and lesson number 6. So, today we are going to start our lesson number 5. What is our lesson number name? लेसन नंबर 5 इज नो द कीबोर्ड. हमें कीबोर्ड के बारे में जानना है. ओके, कीबोर्ड में कौन से कीज होती हैं, उससे हम क्या क्या वर्क करेंगे और उसका यूज हम कैसे करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर लेसन नंबर 5. जस्ट लाइक वी यूज अ पेन और पेंसिल टू राइट टेक्स्ट ऑन अ पेपर, वी नीड टू अ कीबोर्ड टू एंटर टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर. When we are writing in our CWE book, what we have using? Pen, pencil, eraser, sharpener, yes or no? Yes, just like that, we need keyboard to enter text into the computer. When we are entering the text into the computer, we have to compulsory use of keyboard. Because if we want to write our name, then we are using keyboard. कीबोर्ड का यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपना नेम एंटर कर सकते हैं, यानी कि कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, लाइक अवर नेम, अवर सरनेम, अवर फादर नेम, अवर मदर नेम, अवर स्टैंडर्ड एक्सेट्रा. ओके, लेट्स लर्न अबाउट द कीबोर्ड कीज. द कीबोर्ड हैज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कीज. कीबोर्ड में कौन सी कीज होती है, लेट्स हैव अ लुक. नंबर 1, अल्फाबेट कीज. कौन सी कीज होती है नंबर 1 पर, अल्फाबेट कीज होती है. द अल्फाबेट कीज कंटेन्स लेटर ए टू जेड. अल्फाबेट कीज होती है वो लेटर ए टू जेड कंटेन करते हैं, लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि जेड तक जो अल्फाबेट्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक, वो सारे अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं वो कौन सी कीज कंटेन करती है, अल्फाबेट कीज. Now, number 2, number keys. In number 2, we have learned about the number keys. Did you know your parents' mobile number? Yes, आप सबको पता ही होगा ना आपके पापा का मोबाइल नंबर क्या है. तो वो जो नंबर्स होते हैं, मोबाइल के नंबर्स होते हैं, उसमें जो नंबर 0 से लेकर 9 तक के होते हैं, वो नंबर अगर हमें एंटर करने हैं, then we have to use number keys. If we want to type numbers, then we have to use number keys. And in the number keys contain the numbers 0 to 9. 0 से लेकर 9 तक के जो numbers है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. तो ये जो numbers है, वो कौन contain करता है? Number keys. Done? Now, moving forward with number 3. नंबर 3 इज फंक्शन कीज. फंक्शन कीज से हम क्या करेंगे, फंक्शन की से हम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन यूज कर सकते हैं, लाइक कोई भी जो फाइल या फोल्डर है उसको रीनेम करना, यानी कि उसको अगर हमें हेल्प चाहिए होती है तो हेल्प के लिए भी, या अगर हमें कुछ और भी हेल्प चाहिए, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शन होते हैं फाइल के बारे में, प्रॉपर्टीज वगैरह, तो वो सारे फंक्शन है हम फंक्शन की के थ्रू यूज कर सकते हैं. सो द फंक्शन कीज कंटेन F1 टू F12 कीज. आपका जो कीबोर्ड है उसमें सबसे फर्स्ट रो होती है, जो सबसे ऊपर वाली फर्स्ट रो, उसमें F1, F2, F3, F4 या एटलीस्ट F12 तक की जो कीज होती है, टोटल 12 कीज होती है F वाली. तो F1 से लेकर जो F12 तक की जो कीज होती है वो कौन कंटेन करता है, फंक्शन कीज. ओके, मूविंग फॉरवर्ड विथ नंबर 4, एरो कीज. एरो कीज कंटेन्स अप डाउन राइट एंड लेफ्ट एरो. हमने जैसे कीबोर्ड में देखा था, जो कीबोर्ड कीज होती है उसमें एरो कीज भी होती है. इफ़ वी आर मूविंग अप अप साइड, डाउन साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, देन वी हैव टू यूज एरो कीज. ओके, एरो कीज का यूज करके हम ऊपर वाली लाइन में भी जा सकते हैं, यानी कि अप डायरेक्शन में जा सकते हैं. अगर माउस का जो कर्सर है उसको नीचे वाली लाइन में लाना है, अगर हमारा माउस का कर्सर डाउन साइड लाना है, देन वी आर यूजिंग डाउन एरो की. देन आफ्टर, इफ वी आर मूविंग राइट साइड, देन वी हैव टू यूज राइट एरो की. एंड इफ वी आर मूविंग अवर कर्सर इन द लेफ्ट एरो साइड, देन वी हैव टू यूज लेफ्ट एरो की. अंडरस्टैंड दैट?
Now number 5, last one. Special keys. In the special keys, it is contains tab key, alter key, space bar key, enter key, shift key, insert key and delete key. और उसके बाद कौन सी आएगी? होम की, एंड की, पेज अप की एंड पेज डाउन कीज. तो ये जो सारे कीज है उसको हम यूज करेंगे स्पेशल कीज में. नाउ लेट्स हैव अ लुक अबाउट द स्पेशल कीज. टैप की, जब आपको एक से ज्यादा बार स्पेस देनी होती है तो हम किसका यूज करेंगे? टैप की का. क्योंकि जब हमें एक ही बार स्पेस देनी होती है, दो वर्ड्स के बीच में एक ही बार स्पेस देनी होती है, तो हम यूज करेंगे स्पेस बार का. पर एक से ज्यादा बार यानी कि 5 times, 6 times, 7 times अगर हमें स्पेस देनी होती है तो एक से ज्यादा बार स्पेस देने के लिए हम यूज करेंगे टैब की. व्हाट इज दिस? दिस इज टैब की. देन आफ्टर नंबर 2, अल्टर की. यहाँ पर लिखा है ALT. ALT का मीन्स होता है अल्टर, यानी कि अल्टर की. अल्टर की से हम क्या करेंगे? अल्टर की से हम करेंगे कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे. जब भी आप कोई भी शॉर्टकट की यूज करना चाहते हो तो वहां पर अल्टर की का यूज करना होता है. देन आफ्टर स्पेस बार की. स्पेस बार की का मैंने बोला ना, दो वर्ड्स के बीच में जब एक बार हमें स्पेस रखनी होती है तो हम कौन सा यूज करेंगे? स्पेस बार की का यूज करेंगे. देन आफ्टर द नेक्स्ट वन इज एंटर की. If we want to complete our line and we have to go in next line, जब भी हमारी कोई लाइन खत्म हो जाए और वो हमें छोड़कर हमें न्यू लाइन में जाना होता है, तो वो लाइन छोड़कर हमें डायरेक्ट न्यू लाइन में जाने के लिए हम कौन सी की का यूज करेंगे? एंटर की का. न्यू लाइन में जाने के लिए हम एंटर की का यूज करेंगे. वी आर यूजिंग एंटर की फॉर गोइंग इन द न्यू लाइन. नाउ नेक्स्ट वन, शिफ्ट की. जब भी हमारी कैप्स लॉक की ऑफ होती है और हमें कोई भी लेटर होता है उसको हमें कैपिटल लेटर में टाइप करना होता है. लाइक फर्स्ट लेटर, जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है. तो अगर हमें वो एक ही वर्ड है वो कैपिटल में टाइप करना होता है तो हम किसका यूज करेंगे? शिफ्ट की का. और जब भी आपके कीबोर्ड में आपको टू कोई एक कीज के ऊपर 2-2 फंक्शन दिए गए हो तो वो दोनों फंक्शन में से जो ऊपर वाला फंक्शन है वो यूज करने के लिए भी हम शिफ्ट की का यूज करेंगे. जब आप सेकंड स्टैंडर्ड में आ जाओगे तो शिफ्ट की का यूज करना आएगा. अभी आप छोटे बच्चे हो ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, इसलिए अभी आपको शिफ्ट की का यूज नहीं करना है. ओके, इट इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन. नाउ इंसर्ट की. इंसर्ट की से हम क्या करेंगे? हम कोई भी जो हमारा वर्क है, पिक्चर है, फोल्डर है या आइकन है या फाइल है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, देन आफ्टर डिलीट की. जब भी हमारा कर्सर कहीं पर होता है, यानी कि अगर हमारा कर्सर यहाँ पर है तो उसकी राइट साइड वाला जो वर्ड होता है, लेटर होता है, उसको डिलीट करने के लिए हमें डिलीट की का यूज़ करना होता है. अंडरस्टैंड दैट. देन आफ्टर होम की. होम की का यूज करेंगे हम लाइन की बिगनिंग पर जाने के लिए. हमने पूरी लाइन लिखी होती है और वो लाइन की सबसे फर्स्ट पर हमें जाना होता है. अगर हमारा कर्सर यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट एरो से 1 by 1 यहाँ पर जाएंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी. तो उससे तो चाहे हम होम की का यूज़ करेंगे. इफ वी आर यूजिंग होम की देन अवर कर्सर विल बी इन द बिगनिंग ऑफ द लाइन. देन आफ्टर एंड की. इफ वी आर कर्सर इन द मिडल ऑफ द लाइन. अगर हमारा कर्सर है वो कहीं पर है बीच में और हमें डायरेक्टली एंड ऑफ द लाइन ले जाना है, यानी कि हमें यहाँ पर एंड ऑफ द लाइन ले जाना है, तो हमें यूज करना है एंड की. ओके, देन आफ्टर पेज अप की एंड पेज डाउन की. व्हाट इज पेज अप की एंड पेज डाउन की? पेज अप की से हम पेज अप जा सकते हैं, यानी कि अगर हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट में पूरा पेज लिखा है और हम कहीं बीच में हैं तो हमें डायरेक्टली पेज अप यानी कि टॉप ऑफ द पेज पर जाना है. देन वी आर यूजिंग पेज अप की. एंड इफ वी आर गोइंग इन द लास्ट पेज ऑफ द अवर डाउन, सो वी आर यूजिंग पेज डाउन की. टू गोइंग एट द बॉटम ऑफ अवर पेज, वी आर यूजिंग पेज डाउन की. अंडरस्टैंड दैट. Now let's have a look about our keyboard. Look at here. This is our keyboard. आप सबको keyboard दिखाई दे रहा है? Yes. So now we are going to start with our 5 keys. Keyboard में कितनी types की key होती है?
फाइव टाइप्स ऑफ कीज. ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन कीज से. ओके, देखो फंक्शन की है वो टॉप ऑफ द कीबोर्ड है, यानी कि कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाली रो में है, टॉप ऑफ द कीबोर्ड. तो वहां पर देखो F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 एंड F12. तो टोटल फंक्शन कीज कितनी होती है? 12. और उसके आगे क्या आता है? F आता है, F1, F2. ओके, तो ये फंक्शन की है. यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो है फंक्शन कीज. नाउ नंबर सेकंड, अल्फाबेट कीज. कौन सी कीज? अल्फाबेट कीज. अल्फाबेट कीज में क्या होता है? A to Z लेटर, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. अंडरस्टैंड दैट. यहाँ पर जो A to Z लेटर है वो सारे अल्फाबेट कीज में होते हैं. टोटल कितने लेटर्स होते हैं अल्फाबेट कीज में? कितने लेटर्स होते हैं? 26. ओके, यानी कि A से लेकर Z तक की सारी कीज होती है वो किस में होती है? अल्फाबेट कीज में. टोटल 26 होती है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एरो कीज. कौन सी कीज? एरो कीज. अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की एंड राइट एरो की. तो टोटल एरो कीज कितनी होती है? 4. कितनी होती है? 4. अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट. ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक अबाउट द नंबर कीज. लुक एट हियर. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. यहाँ पर जो 0 से लेकर 9 तक के जो सारे नंबर्स है वो हम कंसिडर करेंगे नंबर कीज में. किस में कंसिडर करेंगे? नंबर कीज में. ओके, तो नंबर कीज टोटल कितनी होती है? 10 होती है. और वो कहाँ से होती है? 0 से लेकर 9 तक. यहाँ से काउंट करो, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. हाउ मेनी कीज आर देर? 10 कीज. ओके, तो नंबर कीज टोटल कितनी होती है? 10 होती है. और उसमें कौन से नंबर होते हैं? 0 से लेकर 9 तक. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स हैव अ लुक अबाउट स्पेशल कीज. वेरी स्पेशल कीज. यस, देर आर टू स्पेशल कीज. देखो यहाँ पर है कंट्रोल की, अल्टर की, शिफ्ट की, स्पेस बार की. ये जो लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड पर, सबसे लॉन्गेस्ट की होती है उसको हम बोलेंगे स्पेस बार की. ओके, तो ये जो है वो सारी स्पेशल कीज है. और उसमें ये भी आएगी होम की, एंड की, इंसर्ट की, पेज अप की, पेज डाउन की एंड डिलीट की. तो ये भी सारी स्पेशल कीज है. ओके, इससे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन यूज कर सकते हैं, स्पेशल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और उसका यूज भी कर सकते हैं. अब जो हमारी जो कीज है उसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. ओके, नाउ इट्स अ से टू बाय बाय.